हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, इसमें मैं एक नई नोटिफिकेशन के बारे में आपके सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि हम क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की 667 वैकेंसीज को अनाउंस करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी जो है, जो लास्ट टाइम 2019 में आई थी, यानी कि 4 साल के बाद फिर से ये पेपर होने वाला है। तो टोटल 667 वैकेंसीज हैं, और इसमें कुछ क्लरिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है और कुछ स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसीज का मैं जिक्र आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्जाम होता है इसका, क्या इसका सिलेबस रहता है। और हर एक बच्चा, आप अगर चाहे क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर आप HPAS की भी तैयारी कर रहे हो तो आप, ये आपका ये पहला स्टेप हो सकता है। आप इस एग्जाम को क्रैक करिए, आप चंडीगढ़ में आपकी जॉब लगेगी और आगे आप फ्यूचर अपना, जो भी आपके प्लान्स हैं, चाहे वो HPS का पेपर है, चाहे वो UPSC का पेपर है, आप फर्दर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उसके प्रेपरेशन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो इसमें जो वैकेंसीज हैं, 593 वैकेंसीज रहने वाली है हमारे पास क्लैरिकल लेवल में, यानी कि क्लर्क की, और 74 वैकेंसीज हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं उनकी। तो ये टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप HP में, हिमाचल में, अगर आप क्लरिकल लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो सेम सिलेबस यहाँ पे भी होने वाला है। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JOA IT की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेक्रेटरिएट क्लर्क क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस सबका सेम है। इसके अलावा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट HPS की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को भरे, HAS वाले भी इस एग्जाम को भरे, क्योंकि देखो HAS का पेपर तो चलो आपने देना ही है, उसकी तैयारी तो आप कर ही रहे हो। अगर आप ये वाला एग्जाम फिल करते हो और इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हो, तो बाकी का टाइम आप चंडीगढ़ में रहोगे, चंडीगढ़ में आपको जॉब भी मिल जाएगी, प्लस आपको चंडीगढ़ में एक एक्सपोजर मिलेगा जिसमें आप चंडीगढ़ में रह के तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि HAS की, आने वाले टाइम में आप UPSC की भी इजीली तैयारी कर सकते हो अलोंग विद योर जॉब, क्योंकि एक ये एक सरकारी नौकरी है और आपको एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा चंडीगढ़ में रहने की, आपको एक जो आपका मेन जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी कवर कर जाएगा। तो दोस्तों, इसमें टोटल 593 और 67 वैकेंसीज हैं। ये जो एग्जाम होता है ना, इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे हिमाचल में भी होता है प्रोबेशन पीरियड, इसमें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि 2 साल तक बेसिक पे इसमें मिलती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वालिफिकेशन, तो मैंने कहा था कि हर तरह का बच्चा इस एग्जाम को भर सकता है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2, +2 पास बच्चा इस एग्जाम को भर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेपर के बाद आपकी एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग है। मतलब अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप इस स्पीड को इजिली अचीव कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में। अगर नॉर्मली भी अगर मैं आपको, जिसको टाइपिंग स्पीड जिसकी नहीं है, जो जिसकी जिसको टाइपिंग नहीं आती है नॉर्मली, उसकी स्पीड भी 20 तक होती है, 70 to 20 तक रहती है। तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली अचीव की जा सकती है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, है ना, कि 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद टाइपिंग टाइपिंग आपका क्या होगा, टेस्ट होगा आपका रिटन एग्जाम के बाद। नेक्स्ट अगर हम देखिए एज लिमिट, तो 18 to 27 इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट का थोड़ा सा रह सकता है, जो स्टूडेंट 18 to 27 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ वही इस एग्जाम को भर सकते हैं, एज लिमिट इसमें कम है। हिमाचल में जो एग्जाम्स होते हैं नॉर्मली, उसमें क्या होता है कि जो एज लिमिट होती है वो ज्यादा होती है, 18 to 45, लेकिन यहाँ पे क्या है, 18 to 27, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सिलेबस की, तो सिलेबस देखो मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज में इंडिया GK रहेगी, प्लस इसमें आपको चंडीगढ़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चंडीगढ़ के क्वेश्चंस की, चंडीगढ़ कब बना है ना, जो चंडीगढ़ में जो लेक है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके अलावा और इसमें और भी रोज गार्डन है, रोज गार्डन है किसने बनाया, इस तरीके के कितने सेक्टर्स हैं, इस तरीके से सवाल आपको, मतलब नॉर्मल चंडीगढ़ GK के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100-150 सवाल होते हैं और वही रिपीट होते हैं हर बार, ठीक है। देन उसके बाद रीजनिंग आएगी और फिर कंप्यूटर आएगा। तो टोटल ये 5 हमारे पास कॉम्पोनेंट रहते हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, ये भी बहुत एक मुद्दा है, क्योंकि अभी ये नोटिस आया है, ठीक है। बट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक होता है कि उनका एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पे हम पेपर कंडक्ट करेंगे, इस टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा और इस टाइम पे रिजल्ट भी अनाउंस होगा। तो एक काफी फास्ट प्रोसेस रहती है इसमें। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको सेप्टेम्बर में देखने को मिल जाएंगी, और जिसका जो एग्जाम डेट्स है वो जनवरी और फेब्रवरी में इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर
करवा लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट और सिलेक्शन। तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर मई जून तक आपका फाइनल सिलेक्शन का आपको पता चल जाएगा, मई जून तक, नेक्स्ट ईयर मई जून तक। तो ये काफी अच्छी एक पोस्ट है। अगर आप मान लो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी मत करो, चंडीगढ़ भी एडजॉइनिंग स्टेट है हिमाचल की, तो आप इनके जो हिमाचल चंडीगढ़ में जो एग्जाम्स आते हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का पेपर है, एएसआई का पेपर जो होता है, इसके अलावा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में क्लैरिकल की जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब होती है ये, ठीक है। तो आप इनमें भी अपने फॉर्म जो है वो भर सकते हो, ये नौकरी भी बहुत अच्छी है, क्लैरिकल लेवल की पोस्ट है। एक बार अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, फिर आपके पास इतना एक्सपोजर आपको मिल जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम की आगे फर्दर तैयारी कर सकते हो चंडीगढ़ में रह के, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास मैं खत्म करता हूँ। आई होप आपको नोटिफिकेशन का पूरा पता चल गया होगा। तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चे, क्योंकि जनवरी को इसका पेपर भी हो जाएगा, और 5-6 महीने का ही समय है हमारे पास, तो इस 5-6 महीने ही लगेंगे इसको तैयार करने में भी अच्छे तरीके से। तो चलिए इसी के साथ खत्म करता हूँ मैं आज का लेक्चर। तो आपने क्या करना है बच्चे, इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी जो ऑफिशियल नोटिस आया है, जो नोटिस आया है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। उसमें आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे अपकमिंग बैचेस के लिए, प्लस हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है यूट्यूब के, उनके लिए भी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट क्लासेस।